तो गाइज ये हैं बल्फकेट के एनबी नेक बैंड, जो कि शॉर्ट फॉर्म है नेक बैंड की। तो ये आज ही लॉन्च हुए हैं अमेजोन पे, 1000 रुपीज प्राइस है। स्पेशलिटी क्या है इस प्रोडक्ट की, ये आपको मिलते हैं एक LED इंडिकेटर के साथ, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बैटरी को इंडिकेट करेगा। सेकेंड थिंग, आपको 100 आवर का बैटरी बैकअप मिलेगा एक नेक बैंड से सिंगल टाइम चार्जिंग में, अगर आपका नेक बैंड 100% चार्ज है तो। तो इस प्रोडक्ट को हम अनबॉक्स कर लेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इसके फीचर्स, फंक्शंस एंड कितने ये पावरफुल हैं, क्या आप इसको परचेज करेंगे फॉर साउंड क्वालिटी, म्यूजिक एंड कॉलिंग। तो चलेगा इस ब्रेक से लेके वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोज के लिए। मेरा नाम है सूरभ, आप देख रहे हैं जीएस टेक। तो गाइज ये आज ही लॉन्च हुए थे 999 रुपीज में, हमें मिलते हैं बल्फकेट के जो है नेक बैंड है, 100 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, 600 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है। इसके अलावा जो है आपको फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे दी गई है टाइप सी की। पैकेजिंग इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है, पैकेजिंग में मुझे इतना मज़ा नहीं आया। 5.1 की कनेक्टिविटी मिलेगी, मैग्नेटिक लॉक है, गूगल सीरी आपको जो है वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, एंड उसके अलावा आपको स्वेट रेजिस्टेंट मिल जाता है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, जर्मनी ब्रांड है। चलिए चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट आपको किस टाइप से मिलता है। एंड आई गेस ये फर्स्ट नेकबैंड होने वाले हैं जिसपे आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, आप अपना प्रोडक्ट की बैटरी चेक कर सकते हैं कि कितनी बची हुई है, तो वो सभी चीज़ें चेक करेंगे। तो फर्स्टली आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है, प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल यहाँ पे दिया गया है, टाइप सी की चार्जिंग केबल है, आई थिंक ये एक्स्ट्रा एयर टिप्स, जी हाँ एक्स्ट्रा एयर टिप्स, एंड लास्टली यहाँ पे बचता है आपका प्रोडक्ट। एंड फीलिंग तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी आ रही है, एंड प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है उससे ईयरबड्स अंदर ही स्टक हो गए, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो गाइज अगर हम प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस को एक बार छोड़ के प्रोडक्ट का फिजिकल ओवरव्यू करें, तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन की जो वायरिंग मिलती है जो आपके नेक के अराउंड आएगी, तो वो काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पे, ब्रांड का लोगो आपको मिल जाता है। देन चार्जिंग पोर्ट जो है वो कवर्ड है वेरी वेल, तो आपको स्वेट रेजिस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बटन भी आपको काफ़ी क्लिक की दिए गए हैं, अगेन आपको ब्रांड की जो है लोगो मिलता है। एंड जो वायरिंग यहाँ पे दी गई है वो टेंगल फ्री नहीं है, वो कम्प्लीटली प्लास्टिक ही है। एंड मैग्नेटिक अटैचमेंट कुल मिला के लाइक ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। 3 बटन है जिसमें से एक पावर ऑन एंड ऑफ, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप, यहाँ पे 3 फंक्शन आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो प्रोडक्ट ऑन होते ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है कि कितनी बैटरी बची हुई है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं एंड आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाता है बल्फकेट NB करके, तो आप इसको सिंपली पेयर कर पाएंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको कोई भी गेम मोड नहीं मिलता है, तो गेम मोड अगर आप सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, तो गेम के लिए ये आपके नहीं है। तो गाइस प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा अनबॉक्स हो चुका है, अनबॉक्सिंग के साथ साथ यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट की जो है ओवरऑल लुक डिज़ाइन भी चेकअप कर लिया। बट ओवरऑल अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूँ तो नेक पे ओवरऑल काफ़ी अच्छी तरह से सेटल हो जाता है, इन ईयर फिटिंग भी काफ़ी मस्त एंड मज़ेदार दी गई है। एंड इन ईयर फिटिंग के साथ साथ आपको आइसोलेशन भी मिलता है, जो कि आपको बेटर म्यूजिक के लिए हेल्प करेगा। एंड अगर मैं बात करूँ इसके स्वेट रेजिस्टेंट की, तो हाँ गाइस स्वेट रेजिस्टेंट है, आप जिम वगैरह में इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, जॉगिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेनी सीजन में यूज़ करते टाइम थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ अदर फीचर फंक्शंस की, तो ये आते हैं 10mm के ड्राइवर के साथ। एंड साउंड क्वालिटी हम यहाँ पे टेस्ट आउट कर लेते हैं, फर्स्ट इन ईयर म्यूजिक टेस्ट करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो उनको आपका म्यूजिक या आपकी कॉल कितनी सुनाई दे सकती है, अगर आप मैक्सिमम म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो। चलिए गाइस टेस्ट आउट कर लेते हैं म्यूजिक।
तो गाइज प्रोडक्ट की साउंड क्वालिटी तो एज पर प्राइस आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बेस का कॉम्बिनेशन, वोकल साउंड का कॉम्बिनेशन एंड क्लैरिटी जो वॉइस की है वो काफ़ी अच्छी है। तो म्यूजिक में आपको काफ़ी इंजॉय होने वाला है। लाइक अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल वॉल्यूम लेवल की, तो वॉल्यूम लेवल वाइज भी आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम लेवल भी आपको काफ़ी मस्त यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट चीज़ बचती है, ज़्यादा कुछ था नहीं टेस्ट आउट करने के लिए, बैटरी लाइफ है। बैटरी लाइफ काफ़ी ह्यूज साइज दिया गया, बट उसमें भी एक कैच है। अगर आप इसको 50% वॉल्यूम पे यूज़ करेंगे तभी आपको 100% जो है 100 आवर का बैटरी बैकअप मिलेगा, एंड उसमें भी कोई गारंटी नहीं है यार। लाइक सर 90 या 80 पे स्टक हो जाएगा 50% पे भी, क्योंकि स्टैंड बाई टाइम पे भी बैटरी कंज्यूम होती है, राइट। बट अगर आप इसको 70 या 100% वॉल्यूम लेवल पे यूज़ करेंगे तो आपको अगर 50 आवर का बैटरी बैकअप मिलता ना, तो मेरे जैसे लोगों के लिए 10-15 दिन काफ़ी है। एंड उसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, 10 मिनट में आपको 10 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ये थी इसकी बैटरी बैकअप की बात। बट कॉलिंग वाइज क्या है, कैसे ये जो है नेक बैंड है, क्या परचेज करेंगे नहीं करेंगे गाइज? तो गाइज ये वो जो है ये नेक बैंड से रिकॉर्ड हो रही है, जिस नेक बैंड है आपको 100 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाता है। बट माइक्रोफोन के बारे में कोई भी कमेंटमेंट यहाँ पे ब्रांड ने नहीं किए। आप मुझे बताइए कि किस टाइप से आपको यहाँ पे वॉइस आ रही है। एंड अगर मैं ट्रैफिक वॉइस यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, तो ट्रैफिक वॉइस इंक्लूड करने के बाद आपको मेरी वॉइस कितनी क्लियरली सुनाई देगा एंड ट्रैफिक वॉइस कितनी सुनाई देगी। तो अगर आप 1000 रुपीज में ब्लूटूथ रेंज में जाते हैं, चाहे वो ईयरबड हो चाहे वो नेकबैंड हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलेगा। ENC कोई कोई कंपनी दे देती है, कोई कंपनी नहीं देती। तो यहाँ पे ENC नहीं, आपको आइसोलेशन मिलता है। तो आपको जो अनदर एंड पे पर्सन है उनके आवाज आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उनको सुन पाएंगे। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपकी वॉइस, आप आउटडोर हैं, आप बात करें, देन काफ़ी डिस्टर्बेंस आने वाला है यहाँ पे। एंड इंडोर में इंडोर कूलिंग ठीक ठाक है, बट समर सीजन जैसे AC ऑन है या फैन ऑन है तो वो वॉइस भी अच्छे ढंग से कैप्चर करता है। तो ओवरऑल कूलिंग क्वालिटी क्वाइट प्लेस पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा बहुत नॉइस है तो वो डेफिनेटली कैप्चर होगी। एंड ये एक्सपेक्टेड है एक बजट ओरिएंटेड नेक बैंड से। तो गाइज प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है एंड मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि आपने इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक कर ली, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपने वीडियो में देखी ली, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी ओर से इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।